हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी, भिंडी की सब्जी। तो मैंने ये भिंडी छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली है, लंबी लंबी। उसके बाद मैंने प्याज कट कर ली थी और मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया है ऑयल होने के लिए। और मेरा ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज भून लेती हूँ। प्याज को जब तक भूनना, जब तक ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने कच्ची आमी ली है और एक हरी मिर्च ली है, और उसको मैंने कद्दूकस कर लिया और हरी मिर्च को मैंने काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है ब्राउन होने तक, मैंने बोला था प्याज। और मैं हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, उसके बाद मैं मसाले लेती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, मैगी मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले लेने हैं। उसके बाद ये सारे मसाले साथ में डाल देने हैं जैसे प्याज भून जाएगी उसके बाद। और ये सारे मसाले भूनने के बाद अच्छे से हम इसमें डाल देंगे भिंडी, और हम जो बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डालना है जिससे कि थोड़ी सी गल जाए भिंडी। और आप देख सकते हैं स्लो पर भिंडी रखनी है। और उसके बाद हम एक बार 5 मिनट बाद भिंडी को चेक कर लेंगे कि हमारी भिंडी हुई है या नहीं। और ये भिंडी हमारी कुछ हद तक हो चुकी हैं, क्योंकि मैं देख रही थी इसको कि गल गई हैं या नहीं। तो हमारी भिंडी गल चुकी हैं अच्छे से। थोड़ी सी और पकाने के लिए रख देते हैं स्लो पर ही, और इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं जिससे कि ये भाप से हो जाए अच्छे से। और बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना गाइस घर पर। और हम डालेंगे इसमें ऊपर से मैगी मसाला। अगर पहले मैगी मसाला डाल दोगे तो इसकी जो मैगी मसाले की खुशबू है वो नहीं रहती है। तो मैं ऊपर से मैगी मसाला डाल रही हूँ, और भिंडी में काफ़ी टेस्टी लगता है मैगी मसाला एंड कच्ची आमी जब आप डालोगे तो। मुझे ना खट्टी खट्टी बहुत पसंद है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी भिंडी पसंद है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय।